नमस्कार साथियों, पेश है मुख्य समाचार। अन्वेषक शिक्षा मित्रों से संबंधित एक बड़ी खबर, बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। गुड न्यूज़ के रूप में बता सकते हैं कि सतीश चंद्र द्विवेदी जी के लिए, जो कि माननीय शिक्षा मंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, उनको ज्ञापन दिया गया है अन्वेषकों के माध्यम से। जैसा कि आप जानते हो, लगातार अन्वेषक लीडर्स अपनी अपनी कमेटी और संस्थाओं के माध्यम से ज्ञापन दे रहे हैं लगातार सरकार को, और सरकार तक ये बात पहुंच रही है। लेकिन छोटा सा निवेदन है यहाँ पर हमारे चैनल पर, अगर आप नए हैं तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथियों, पूरा समाचार सुनाते हैं। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने आने वाले दिनों में अभी चल रही सभी शिक्षक भर्ती, दरोगा भर्ती, अनुदेशक, शिक्षा मित्र संबंधी मामलों को हल करेगी। शिक्षा मित्र अनुदेशकों के लीडर भी लगातार प्रयास। आपको बताना चाहिए, योगी सरकार के 6 बड़े प्रोजेक्ट हैं। जेवर एयरपोर्ट है, इसमें काशी कॉरिडोर 3 और फिल्म सिटी ग्रेटर नोएडा, गंगा एक्सप्रेस वे लोकार्पण, बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे, विभिन्न विभागों में भर्ती प्रक्रिया व नियुक्ति पत्र वितरण। दिसंबर महीने में किसान सम्मेलन करेंगे। हालांकि इससे डेट अभी बूथ को संबोधित नहीं किया गया है, लेकिन आप तस्वीर देख रहे हो, लगातार अनुदेशक लीडर्स हमारे शिक्षा मंत्रियों से मिलते हुए, उनके मंत्रियों से और सरकार तक अपनी बात को ज्ञापन के रूप में पहुंचाते हुए। इसके लिए सरकार बिल्कुल तैयार है और यूपी सरकार काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के लोकार्पण, भर्तियां, नियुक्ति पत्र वितरण सभी कार्यों को पूरा करेगी। सूत्रों से मिली जानकारी अनुसार, चुनाव आयोग 15 दिसंबर से यूपी में 5 राज्यों में आचार संहिता लागू कर सकती है। इसे देखते हुए 6 बड़े प्रोजेक्ट की डेडलाइन तय कर दी गई है। यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी अगले 20 दिन में यूपी के दौरे पर रहेंगे और तकरीबन कई इनकी मीटिंग्स होंगी, 2-4 से लेके 5-10 हो सकती हैं। 25 नवंबर को नोएडा, दिसंबर को गोरखपुर, 13 दिसंबर को वाराणसी आएंगे पीएम मोदी जी। नोएडा में जहाँ जेवर एयरपोर्ट का शिलान्यास करेंगे, वहीं वाराणसी में काशी विश्वनाथ धाम का भी लोकार्पण करेंगे। साथियों, ये एक बड़ी अपडेट आ रही है। और यहाँ पर बताना चाहेंगे, अनुदेशक का ज्ञापन है और इसको दिया गया है माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी, उत्तर प्रदेश सरकार। विषय है परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत अनुदेशकों को नियमित करते हुए प्रशिक्षित वेतनमान दिए जाने के संबंध में। साथियों, जैसा कि हम आपको बता रहे हैं कि अनुदेशक लीडर्स लगातार अपने ज्ञापन सरकारों तक पहुंचा रहे हैं, सरकार तक पहुंचा रहे हैं, और उनकी मांग है सिर्फ और सिर्फ नियमितीकरण, जिसकी तस्वीरें हमने आपको, हाल ही की तस्वीरें हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से लिया गया और आप तक पहुंचाई। आप देख सकते हो कि हमारे माननीय शिक्षा मंत्री जी हैं जो ज्ञापन लेते हुए अनुदेशकों से, अनुदेशक लीडर्स से, और ज्ञापन की कुछ झलकियाँ हैं इनकी, इसमें उन्होंने साफ साफ लिखा है। अतः आपसे सादर निवेदन है कि हमारी मांगों को पूरा करने की कृपा करें। यहाँ पर आप सिग्नेचर देख रहे हो, ये भी एक ज्ञापन है जिसे हमने पहले की न्यूज़ में बताया था। ये भी एक पीलीभीत से ज्ञापन आया था और सरकार तक दिया गया था। यहाँ पर अमिताभ अग्निहोत्री जी हैं, वो बता रहे हैं यूपी में सरकार के स्तर पर जो कुछ बड़ा होना है उसके लिए लगभग 50 दिन मानकर चलिए, जिसमें जेवर एयरपोर्ट से लेकर काशी विश्वनाथ धाम सब कुछ शामिल है। अनुदेशक शिक्षा मित्रों की भी मांगों को शामिल किया गया है। साथियों, यहाँ परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत अनुदेशकों को नियमित करते हुए प्रशिक्षित वेतनमान दिए जाने के संबंध में ब्रेकिंग न्यूज़, झांसी से। झांसी में अनुदेशक की ओर से 30,000 अनुदेशकों को नियमित किए जाने के संबंध में ज्ञापन दिया गया। माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री श्री सतीश द्विवेदी जी द्वारा आश्वासन दिया गया है कि आपकी मांगों को माननीय योगी के समक्ष रखेंगे और संभव होगा तो ज़रूर नियमित करेंगे और करवाएंगे। साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी का कि सर आपने कम से कम हमको आश्वासन दिया, हमारे दिल को थोड़ी तसल्ली मिली। लगातार आपको ये कटिंग्स देख रहे हैं न्यूज़ की, और आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी और अपडेट के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सोशल डिस्टेंसिंग को पालन कीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।